हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बटरफ्लाई हेयर कट के ऊपर, जो कि काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग हुआ था। कटिंग का ये फाइनल लुक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड खूब सारा शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिफोर एंड आफ्टर लुक आप देख ही चुके हैं। अगर इस तरीके से कटिंग आपको सीखना है तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सो यहाँ से कटिंग हम स्टार्ट करेंगे, जो कि इनकी लेंथ आप देख सकते हैं। हेयर काफ़ी प्यारी है, कलर भी बहुत अच्छी है। इनकी हेयर बिल्कुल सिल्की एंड सॉफ्ट है एंड थोड़ी सी थिन है। जितनी दिख रही है उस हिसाब से हेयर है नहीं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा थिक लगती है, बट उतनी थिक इनकी हेयर नहीं है। कटिंग स्टार्ट करने से पहले ही हेयर को ऑयल फ्री है या नहीं देख लेना होता है, क्योंकि अगर हेयर पर ऑयल है तो जस्ट आप शैम्पू एंड कंडीशनर की एप्लीकेशन ज़रूर करें। इनकी हेयर ऑयल फ्री थी, ये घर से ही हेयर वॉश करके आए थे, इसलिए मैं डायरेक्ट हेयर को कट कर रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल वाटर से हेयर को गीला की हूँ डिटेंगल करने के बाद। इसके ऊपर मैं आज कोई भी सेक्शन क्लिप की यूज नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं एक ही स्टेप देख देख कर। सो इसलिए मैं विदाउट क्लिप की कट कर रही हूँ, जो कि अभी हमें लेंथ डिसाइड करना है कि लेंथ हमें कितना कम करना है। सो इनके हिसाब से लेंथ मैं बिल्कुल बराबर कट की हूँ। अब मैं जितनी लेंथ को रखी हूँ इतना ही लेंथ में हमारा हेयर कटिंग फिनिशिंग में आया था, जो कि आप वीडियो में देख चुके हैं। सो इस तरीके से अगर आप भी हेयर कटिंग करते हैं, बिगनर्स हैं, हमारे वीडियो से अगर आप सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। वीडियो देखने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, तभी आप अच्छे तरीके से हेयर कटिंग सीख सकते हैं। सो सारे हेयर पर मैं वन लेंथ कर ली हूँ, जो कि आप इसे बराबर भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम एयर टू एयर वाले सेक्शन को अलग कर लेंगे और बैक वाले सेक्शन को अलग रखेंगे। थोड़ी सी इस वीडियो में कमी रह गई है, जो कि मैं किसी और से वीडियो शूट करवाई थी, इसके लिए अच्छे से ये वीडियो शूट नहीं हो पाई है, जो कि प्रॉपर नहीं दिख रही है। थोड़ा सा बॉक्स एरिया को मैं अलग बनाई थी, वो दिख नहीं रही है। बट अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो कोई भी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं बॉक्स सेक्शन बनाती हूँ। इस कटिंग को करते समय हम चार सेक्शन में हेयर को डिवाइड किए हैं, जो कि दोनों एयर टू एयर वाले सेक्शन को अलग किए हैं, एक बॉक्स सेक्शन बनाए हैं और एक हमारा बैक वाला सेक्शन है, जो कि बैक वाले सेक्शन पे भी हम थ्री सेक्शन बनाए हैं और इसे इजीली कट करेंगे। जस्ट सामने लाएंगे हेयर को और जो हेयर हम बराबर किए थे वन लेंथ, वो हमारा नीचे मिलता है, उसके साथ ही हेयर को मर्ज करते हैं, जो कि देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लेयर इस पर दिख रहा है। एंड प्यारा सा लेयर लाने के लिए हमें सेकेंड सेक्शन को भी इसी तरीके से करना होगा, जो कि मैं फर्स्ट सेक्शन को कर रही हूँ। जस्ट ऊपर ले जाकर कट की हूँ, इस पर काफ़ी अच्छा लेयर आ गई है, जो कि आपको वीडियो में डिटेल दिख रही है। मैं बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, जो कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें सो आप अच्छे तरीके से ये कटिंग सीख सकते हैं। सो जैसे ही हम फर्स्ट सेक्शन को कट किए थे उसी तरीके से हम सेकेंड सेक्शन को कट किए हैं विदाउट गाइडलाइन, और कितनी प्यारी लेयर आई है। लास्ट का कटिंग आप देखे ही हैं, फाइनल लुक कितनी अच्छी हेयर कटिंग हुई थी। सो कटिंग पसंद आए तो इस वीडियो को फुल वॉच करें एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी हेयर कटिंग की चाहिए। थ्री सेक्शन में बैक वाले हेयर को डिवाइड की थी और थ्री सेक्शन हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी थ्री सेक्शन का, जो कि कितनी प्यारी लेयर आई है और बिल्कुल इक्वल आई है, एक बराबर आई है। तीनों सेक्शन की जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है, जो कि कोई भी सेक्शन पे ऊपर नीचे करके लेयर नहीं आई है, बिल्कुल बराबर आई है और विदाउट गाइडलाइन इसे हम कट किए हैं। अब हम साइड वाले जो एयर टू एयर वाले सेक्शन को अलग करके रखी थी उसी को कट करूंगी। इसमें भी कोई गाइडलाइन को मिक्स नहीं की हूँ, जस्ट हेयर को सामने लाने के बाद इसे सबसे छोटे वाले हेयर मिलते हैं उसके साथ मर्ज कर दें। बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है, आपकी फिंगर की ग्रीप अच्छी होनी चाहिए, आप बिल्कुल अच्छे से हेयर कटिंग कर सकते हैं। सो बॉक्स एरिया को छोड़ के हम सारे हेयर को इसी तरीके से कट किए हैं। फ्रंट से बिल्कुल सीधा सीधा मांग निकाले हैं, फेस दिखाना नहीं होता, इसलिए मैं और भी डिटेल में आपको बताती, जो कि आप एक वीडियो से ही एक कटिंग सीख सकते हैं। सो सारे सेक्शन को मैं कट कर ली हूँ। अब हमारा
सबसे ऊपर वाला सेक्शन की बारी है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे वाले जितने भी सेक्शन हैं सारे हमारे इक्वल कटिंग हुआ है। ये रहा हमारा बॉक्स सेक्शन और इसको मैं अच्छे से ऊपर ले जाकर कट करूंगी। जस्ट इसे सामने ले जाऊंगी और थोड़ा सा साइड लेकर कट करूंगी। जैसे ही हमारे छोटे बाल मिल गए इसके साथ में कट कर दी। सो फ्रेंड्स, लगभग हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ, जो कि आप इस वीडियो में देख पाए। फाइनल लुक देखने के बाद कैसी लगी ये कटिंग की वीडियो? बिल्कुल सिंपल है, आप बोलते भी हैं कमेंट में कि आप बहुत इजी बताते हैं। सो इसलिए वो सारे वीडियो से भी ज़्यादा इजी ये वीडियो को मैं बताई हूँ इस कटिंग में, कि आप इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं, बिगनर्स हैं, समय भी कम लगेगा और अच्छे से हेयर कटिंग भी कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा हेयर हमें दिखाई दिया तो वॉक्स एरिया में, सो उसमें हल्का सा मैं नोजिंग दी हूँ, क्योंकि इनकी हेयर थोड़ी सी पतली है एंड बेबी हेयर है, सो इस हेयर पे ज़्यादा नोजिंग हम नहीं दिए हैं। एंड ये फाइनल हमारा हेयर कटिंग काफ़ी अच्छा हुआ था। ये रहा हमारा रीचेक, जिसे हम बोलते हैं कि फाइनल टचअप देना। कभी भी हेयर कटिंग हम करते हैं सो इस तरीके से रीचेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि कहीं से भी हेयर रह जाती है वो फिनिशिंग में अच्छी नहीं दिखती। सो फिनिशिंग हेयर कटिंग करने के लिए हमें थोड़ी सी रीचेक की भी ज़रूरत होती है, जो कि मैं फाइनल में देती हूँ लास्ट में। और इसे मैं सबसे लास्ट का जो कटिंग का शेप होता है इसे आप डीप यू में मिला सकते हैं। सो ये रहा हमारा फाइनल टचअप कटिंग का, जो कि बहुत ही कम समय में हो गया था। आप वीडियो की लेंथ देख सकते हैं, जब हमारा कटिंग लास्ट हुआ था तो 6 से 7 मिनट में हमारा कटिंग कम्प्लीट हो गया था। कटिंग करने में बहुत ही कम समय लगती है, अगर मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ तो 6 से 7 मिनट में कटिंग के साथ साथ मैं शेडिंग भी कर लेती हूँ। बिल्कुल डिटेल में बताई हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें, खूब सारा शेयर करें। अगर आपको लगती है कि हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एंड इस चैनल पे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, जो कि आप बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट किए हैं एंड आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। सो इस कटिंग की मैं सेटिंग नहीं दिखाई हूँ, इसमें फाइनल लुक डायरेक्ट मैं दिखाई हूँ कि किस तरीके से इनकी हेयर कटिंग हुई थी। अगर आपको इस तरीके से सीखना है हेयर कटिंग विद सेटिंग, सो हमारे चैनल पे बहुत ही प्यारा प्यारा हेयर कटिंग विद सेटिंग अपलोड की हूँ मैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, प्रतिभा ब्यूटी पार्लर पे। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक, काफ़ी प्यारा लग रहा था जस्ट सामने से। और मैं जिनके ऊपर हेयर कट की हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि कटिंग पसंद आई थी। कटिंग के जस्ट बाद मैं फाइनल लुक दिखाई हूँ फ्रेंड्स। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें। जिस तरीके से आपको लगती है कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी हेयर कटिंग पे होनी चाहिए, सो आपका जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा मैं उस हिसाब से हेयर कटिंग की वीडियो लेकर आऊँगी। इस चैनल पे काफ़ी अच्छी अच्छी हेयर कटिंग की वीडियो एंड हेयर स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, मेकअप, फेशियल, हर तरह का वीडियो है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो कुछ वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे सो आप उस तरीके से हमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर अच्छी कमेंट होती है तो कि आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हैं एंड हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है। काफ़ी प्यारा हेयर कटिंग हुआ था एंड आपको इस तरीके से अगर हेयर कटिंग सीखना है तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी आती है। एंड 10K सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाला है आप लोग की सपोर्ट से, एंड आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सके तो इस वीडियो को खूब सारा शेयर करें। बटरफ्लाई का जो लुक था ये काफ़ी प्यारा आया था, जो कि मैं फाइनल टचअप दिखा रही हूँ। बिफोर एंड आफ्टर लुक देखने के बाद कैसी लगी ये वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा।
सो फ्रेंड्स, फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप इसी तरीके से वीडियो को फुल वॉच करें एंड खूब सारा सपोर्ट करें।